शकलका मुमुम एक वो टीवी सीरीज है इंडिया का जिसको बच्चों से लेके बड़े सबने पसंद किया था। इस शो की स्टोरी में एक संजू नाम का कैरेक्टर होता है जिसके पास मैजिक पेंसिल होती है जिससे कुछ भी ड्रॉ करने पे वो चीज रियल बन जाती है। ऑलमोस्ट 19 साल पुराने इस शो के मेन कास्ट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि शकलका बुम बुम से पहले वो कहाँ थे और उसके बाद वो अब कहाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किंशुक वेद्या से जिन्होंने संजू का रोल प्ले किया था। किंशुक ने 4 साल की उम्र से ही मराठी फिल्मों में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी जिसमें सुनैयती घारा एंड धांगड़ धिंगा इनकी पहली और दूसरी मराठी फिल्म थी। किंशुक ने मराठी फिल्मों के साथ एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के लिए भी चाइल्ड एक्टर का रोल प्ले किया है। इन सबसे पॉपुलर होके किंशुक को शकलका बुम बुम में संजू का रोल प्ले करने का मौका मिला और उसी साल बॉलीवुड की राजू चाचा मूवी में राहुल का रोल प्ले किया। बट किंशुक ने सबसे ज्यादा फेम और नाम शकलका बुम बुम शो से ही कमाया। इसके बाद उन्होंने अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया जिसके कारण एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से उनकी दूरी बन गई और 10 साल से भी ज्यादा के लिए उन्होंने कोई शो या मूवी नहीं की। उषा प्रवीण गांधी कॉलेज से मास मीडिया करने के बाद 2016 में सोनी टीवी के एक रिश्ता साझेदारी का में आर्यन का रोल प्ले किया विथ हर करंट गर्लफ्रेंड शिव्या। फिर 2018 में आकाश का रोल प्ले किया वो अपना सा टीवी शो में, देन अर्जुन का रोल प्ले किया इन करण संगनी। करेंटली किंशुक बादल का रोल प्ले कर रहे हैं इन जात ना पूछो प्रेम की जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट हंसिका मोटवानी एस करुणा। हंसिका मोटवानी का टेलीविजन करियर शकलका बुम बुम टीवी शो से स्टार्ट हुआ। इसके बाद इन्होंने देश में निकला चांद टीवी सीरियल में एक्ट किया एंड उसके लिए इन्हें फेवरेट चाइल्ड अवार्ड से सम्मानित किया। शकलका बुम बुम के साथ साथ हंसिका ने सोनपरी, करिश्मा करिश्मा जैसे बड़े टीवी शोज में भी अपीयरेंस दे रखी है। 2003 में इन्होंने 4 मूवीज में एक्ट किया जिसमें से एक कोई मिल गया भी थी। बट हंसिका का करियर तब ऊंचाइयां छूने लगा जब उन्होंने देशमधुरु तेलुगु मूवी में लीड रोल प्ले किया एंड उसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू मिला। इसके बाद हंसिका ने बहुत सारी तेलुगु, मलयालम, कन्नडा एंड हिंदी फिल्म्स की। हंसिका बहुत ही ज़्यादा फेमस है साउथ में। वो इतनी फेमस हैं कि एक बार उनके फैंस ने उनके नाम पे मंदिर बनाने चालू कर दिए थे। मूव करते हैं नेक्स्ट कास्ट पे जो कि हैं साइनी राज जिन्होंने रितु का रोल प्ले किया था। रितु वो करेक्टर जो कि संजू की गैंग मेंबर थी एंड टफ टॉम बॉय का रोल प्ले करती थी। साइनी राज अभी एक्टर के साथ साथ एज अ राइटर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर भी वर्क करती हैं। एज अ स्क्रिप्ट राइटर उन्होंने अवार्ड भी जीत रखा है फॉर ट्रैफिक सिग्नल एंड डरना जरूरी है। साइनी राज को अब आप मोस्टली यूट्यूब पे देख सकते हैं क्योंकि वो वर्क करती हैं विथ लीडिंग कॉमेडी ग्रुप्स लाइक AIB, फिल्टर कॉपी, TVF, SNG कॉमेडी एंड ईस्ट इंडिया कॉमेडी एंड उनके कॉमेडी स्किट्स में वो अपीयरेंस देती हैं। प्लस इसके साथ साथ वो ब्लॉगिंग भी करती हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट अदनान JP एज जग्गू। अदनान ने शकलका बुम बुम से अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया। इसके बाद अदनान ने शरारत टीवी शो में भी अपीयरेंस दी बट वही उनका लास्ट टीवी शो था एंड इसके बाद उन्होंने अपना एक्टिंग करियर छोड़ दिया एंड नाउ वो वर्क करते हैं इन दुबई इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। नेक्स्ट मधुर मित्तल एस T2। शकलका बुम बुम में आने से पहले मधुर ने चमत्कार एंड दस्तक जैसी हिंदी फिल्म्स में छोटी सी अपीयरेंस दी थी बट 1997 में बूगी वूगी कॉम्पिटिशन जीतने के बाद मधुर की फैमिली ने मुंबई मूव करने का डिसाइड किया ताकि मधुर का एक्टिंग करियर आगे बढ़ सके एंड उसी के साथ मधुर को शकलका बुम बुम में फनी सरदार एस T2 का रोल प्ले करने का मौका मिला। मधुर ने सबसे ज़्यादा फेम सलीम का रोल प्ले करके कमाया इन स्लम डॉग मिलियनर एंड जिसके लिए इन्हें स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड मिला। मधुर इज़ ऑल्सो फेमस फॉर हिज रोल इन डिज्नी फिल्म मिलियन डॉलर आर्म। मधुर ने लास्ट अपीयरेंस 2017 की हिंदी फिल्म मात्र में दी थी। मूव करते हैं अगले कास्ट पे, रीमा एस संजना। संजना वो कैरेक्टर था जिसने करुणा के कैरेक्टर को रिप्लेस किया था एंड उसी के कैरेक्टर को रीमा ने प्ले किया था। रीमा का शकलका बुम बुम सबसे पहला शो था। इसके बाद इन्होंने ना आना इस देश लाडो, दो दिल एक जा, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप एंड यम किसी से कम नहीं जैसे बड़े शो में किरदार निभाया। अभी रीमा मोस्टली टिकटॉक वीडियोस बनाने बिजी रहती हैं। अगर आप रीमा वोरा को टिकटॉक पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट आदित्य कपाड़िया एज झुमरू भैया। आदित्य कपाड़िया ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपना एक्टिंग करियर इधर उधर एंड जस्ट मोहब्बत से किया था
इन्होंने बॉलीवुड फिल्म जानवर में भी रोल प्ले किया था। इसके बाद इन्होंने शकलका बुम बुम के ऑडिशन दिए जिसके लिए ये सिलेक्ट हो गए। शकलका बुम बुम के बाद इन्होंने आहट, अदालत एंड ट्विस्ट वाला लव जैसे टीवी शोज में अपीयरेंस दी। करंटली आदित्य यूट्यूब पे अनबॉक्सिंग एंड टेक रिव्यूज करते हैं। नेक्स्ट, रोमित राज एस करण। रोमित एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ मॉडल की थी। शकलका बुम बुम में चांस मिलने के बाद इनका एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ। इसके बाद इन्होंने हातिम, फिर कोई है, अदालत, सीआईडी, फियर फाइल्स एंड कलर्स टीवी प्रेजेंट, कौन है जैसे टीवी शोज में अपीयरेंस दी। रिसेंटली ये न्यूज में आए थे जब इनकी एक्स गर्लफ्रेंड शिल्पा शिंदे ने बिग बॉस में अपीयरेंस दी। मूव करते हैं नेक्स्ट कास्ट पे, जो कि है जेनिफर एस पिया। जेनिफर एक बहुत ही सक्सेसफुल टीवी कलाकार हैं। शकलका बुम बुम से पहले जेनिफर ने अकेले हम, अकेले तुम, राजा की आएगी बारात जैसी मूवीज में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट रोल प्ले किया। शकलका बुम बुम के बाद जेनिफर ने मोस्टली टीवी शोज ही किए, जैसे कि कहानी घर घर की, दिल मिल गए, तेरी मेरी लव स्टोरी एंड बेपनाह। उन्होंने एज अ होस्ट भी वर्क किया है इन देख इंडिया देख, लाफ्टर के फटके एंड नचले विद सरोज खान। जेनिफर इज ऑल्सो नोन फॉर हर रिलेशनशिप विद करण सिंह ग्रोवर, जो कि दिल मिल गए टीवी शो से स्टार्ट हुआ था। फिर 2012 में दोनों ने शादी की एंड 2 साल के बाद उनका डिवोर्स हो गया। नेक्स्ट, लता एस संजूज मदर। लता ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी, बट इन्होंने बड़े पर्दे पे भी अपनी परफॉर्मेंस दे रखी है, जिसमें विवाह, इश्क विश्क, प्रेम रतन, धन पायो जैसी मूवीज काउंट होती है। अभी लता राजश्री महेश्वरी का रोल प्ले करती हैं इन ये रिश्ता क्या कहलाता है एंड इट्स स्पिन ऑफ ये रिश्ते हैं प्यार के में। नेक्स्ट, कुणाल कुमार एंड जगेश मुक्ति एस चंगू मंगू। कुणाल कुमार अपने इंडिया के सबसे पहले साइलेंट कॉमेडी टीवी सीरीज गुटरगू के लिए फेमस हैं। टीवी सीरीज के साथ साथ इन्होंने मैं हूं ना, एक विवाह ऐसा भी एंड मिले ना मिले हम जैसी फिल्मों में भी काम किया है। कुणाल कुमार अब मोस्टली अपने प्रोडक्शन हाउस पे ध्यान देते हैं। इन्होंने 2017 में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस चालू किया, जिसका नाम है आई विश फिल्म प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें ये मोस्टली स्पिरिचुअल फिल्म्स प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट करते हैं, जिनमें से कुछ मूवीज हैं सत्य की खोज, पाप और पुण्य एंड जीवन मृत्यु। वहीं जगेश मुक्ति, जिन्होंने मंगू का रोल प्ले किया था, अब मोस्टली गुजराती फिल्म्स एंड कॉमेडी स्किट्स में पार्ट लेते हैं। नाउ फाइनली बात करते हैं चंगू मंगू के बॉस टाइगर की, जिसका रोल प्ले किया था शहजाद खान ने। शहजाद खान अपने मोस्टली विलन रोल के लिए जाने जाते हैं। इवन इनके डैड अजीत खान भी विलन रोल के लिए फेमस थे। शहजाद खान की लाइफ की फर्स्ट मूवी थी 1998 की कयामत से कयामत तक, और हाल ही में इन्होंने सलमान खान की भारत मूवी में वर्क किया है।